अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दो गुड न्यूज है, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया गुड न्यूज है। यूएई एंड बहरीन दोनों कंट्री ने अपनी फ्लाइटें ओपन कर दी है इंडियंस के लिए। कब से की है, इंडियंस नहीं और भी कंट्री इंक्लूड है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी अब इंडिया से बहरीन के लिए और इंडिया से यूएई अगर आप जाना चाहते हैं वहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको अवेलेबल हो जाएगी। पूरी न्यूज क्या है सारी चीजें आपको अच्छे से बताऊंगा समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की। यूएई ने आज कॉलेज टाइम में एक आर्टिकल छपा है, ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी आए हैं कि हम छह कंट्रियों की फ्लाइटें ओपन कर रहे हैं डायरेक्ट इंडिया से यूएई के लिए। और पांच कंट्री अदर कौन सी है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, नाइजेरिया और युगांडा। ये छह कंट्री कुल मिला के हैं जिनकी फ्लाइटें ओपन, डायरेक्ट फ्लाइटें ओपन कर रहा है यूएई 5 अगस्त से। ठीक है, 5 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी जो लोग यूएई जाना चाहते हैं। लेकिन उसने मेंशन किया है कि रेजिडेंस के लिए, ठीक है, जिनके पास में वहां का रेजिडेंस आईडी है, अकामा है, वो लोग डायरेक्ट इंडिया से यूएई जा सकते हैं। उसके लिए कुछ और भी शर्त रखी गई है, वो क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आपकी दोनों डोज वैक्सीन की कंप्लीट लग चुकी हो। यूएई में कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव है ये आप जाके इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, और जो सऊदी में अप्रूव है ऑलमोस्ट वही वहां पे भी अप्रूव है। तो आपको अगर इनमें से दोनों वैक्सीन लग गई हैं कंप्लीट, जॉनसन एंड जॉनसन की एक भी चलेगी, लेकिन इन अदर जो वैक्सीन है उनकी 2 डोज लगनी चाहिए। अगर आपको लग चुकी है तो आप जो आपकी सेकेंड डोज है उसको 14 दिन का टाइम गुजर गया हो, 14वें दिन भी आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई के लिए। लेकिन आपको ये वैक्सीन दोनों लग चुकी हो तो आप यूएई में जा सकते हैं डायरेक्ट। और पाकिस्तानियों के लिए भी है, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, इसमें श्रीलंका और नेपाल भी है। ठीक है, ये कंट्री के लोग यूएई जा सकते हैं डायरेक्ट, तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। उसके बाद में बहरीन ने भी अनाउंसमेंट किया है कि 4 अगस्त यानी कि कल वेनसडे के दिन से बहरीन भी अपने विजिटर्स के लिए, डिपार्चर एंड अराइवल वाले जितने भी विजिटर्स होंगे सबके लिए फ्लाइटें ओपन कर दी गई है। ठीक है, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया है, उसने नाम नहीं लिया है कि इंडिया या फिर कौन कौन सी कंट्री को हम अलाउ करेंगे, लेकिन उसने ये बोला है कि 4 अगस्त से विजिटर्स के लिए हम अपने एयरपोर्ट्स ओपन कर रहे हैं, अपनी फ्लाइटें ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो कंट्रियों ने बड़े डिसीजन लिए हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दी थी मालदीव ने, मालदीव के बाद कतर, कतर के बाद अब यूएई, यूएई के बाद में अब ये सारी कंट्री ओपन होती जा रही है धीरे धीरे। आप लोग वेट कर रहे होंगे सऊदी अरब के लिए कि सऊदी अरब कब ओपन करेगा, तो इंशाल्लाह जिस हिसाब से लग रहा है तो सऊदी अरब जस्ट ओपन करने ही वाला है कुछ ही दिन में। कितने दिन में ये मैं परफेक्टली आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, नहीं मेंशन कर सकता, लेकिन जल्दी ही हो सकता है 1 वीक या उससे पहले या फिर 2 वीक, इतने टाइम में यूएई सऊदी अरब को भी डायरेक्ट फ्लाइटें ओपन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो गल्फ की कंट्री है वो कतर ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुवैत ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम भी 1 अगस्त से फ्लाइटें ओपन करेंगे, और उनका फाइनल डिसीजन भी इसी वीक में आ जाएगा कि किन किन लोगों के लिए क्या क्या पूरा जो सिस्टम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा वो आ जाएगा। बहरीन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सारे जो कंट्री है वो ओपन करती जा ही रही है फ्लाइटों को, तो सऊदी का भी फ्लाइट जल्दी ही ओपन होगा। तो बस यही कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी जो भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो कुछ वैक्सीन को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपका आंसर जरूर कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।